China! Hyderabad! 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 China! 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 आज हमारी पार्टी नेशनल आर्मी यूनाइटेड पार्टी ने आज जिनपिंग का आज हमने अंत्येष्टि कर दी है और जो भी उसके सम्मान की और उसकी अंत्येष्टि करी है और ऐसा ये धोखेबाज कंट्री ऐसे धोखेबाज चाइना है जितने भी हमेशा विश्वासघात हिंदुस्तान से करता है 1962 में किया अब किया उसके बीच भी इंटरफेरेंस करता रहा बॉर्डर पर संधि के मुताबिक भी और इसके बाद हमेशा जब भी मौका आने पे उसने ये किया। अभी हमारे आर्मी मैन उन्होंने धोखे से अटैक किया हमारे 20 आर्मी मैन शहीद कर दिए और इसके बाद जब भी हमारे आर्मी मैन को इनको पता इनकी चाल का पता चला उन्होंने रिवर्ट करके इनके 40 से 50 बंदे मार दिए प्लस बाकी इनको मार मार के भगा दिया और इनके टेंशन सारे उखाड़ के फेंक दिए हैं। अभी हिंदुस्तान ने हमारे होम मिनिस्टर इनको फ्री एंड फेयर हैंड दे दिया हुआ है इनको वेपन परचेज करने के लिए पैसा भी इनका लो कर दिया हुआ है और मैं पूरे हिंदुस्तान से ये कहता हूँ आर्मी तो एक साथ लड़ी रही है और हम लोग भी अपना कर्तव्य निभाएं हम लोग चाइना का इस्तेमाल ना करते हुए और करते हुए हम अपना हिंदुस्तान का माल इस्तेमाल करें ताकि हम चाइना की इकानमी ना स्ट्रांग करते हुए अपनी हिंदुस्तान की इकानमी स्ट्रांग करें हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में ही रहे कहीं बाहर ना जाए हमारे हिंदुस्तान चाहे वो 10 रुपये महंगा क्यों ना हो सामान लेकिन हमें हिंदुस्तान का ही माल इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं और भी पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चाइना ने जो वायरस दिया है ये वायरस हम खुद ही अपने आप को उस कंट्रोल करके अपने कोविड-19 के जो अपने क्या बोलते हैं इसको अपना सिस्टम है जो उनके पैरामीटर्स हैं उन पे चल के हम इसको रोक सकते हैं और हजूम में ना जाएं सैनिटाइजर यूज़ करें मास्क यूज़ करें बाकी जो भी कोविड-19 की एक्टिविटी है वैसा करें अपना हेल्थ बूस्ट करें नशा ना करें सबसे जो इम्पोर्टेंट है नशा ना करें और जिसे इम्यून सिस्टम वीक होता है ताकि स्ट्रांग करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। उन नेताओं को क्या करना चाहेंगे जो आर्मी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रही है इस वक्त? मैं तो यही कहना चाहता हूँ ऐसे नेताओं को जो अपनी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं उनका मॉरल डिमोरलाइज कर रहे हैं उनको हालांकि आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी आर्मी हिंदुस्तान पूरी वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी है और हमारी आर्मी की हर तारीफ करता है रशिया करता अमेरिका करता सब तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के इनको बॉर्डर पर ले जाना चाहिए और इनको सामने खड़ा करना चाहिए देखो हमारी आर्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उड़ीयां भी लेके जाना चाहिए था इनको और इनको क्या चाहिए कौन से सबूत चाहिए। जो मैं तो मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले बाहर के दुश्मन तो सामने दिख रहे हैं चाइना है पाकिस्तान है ये दिख रहे हैं जो अंदर के दुश्मन जो पनप रहे हैं जो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं जो एक छोटी छोटी बात पे मुद्दे उठा लेते हैं बहुत सारे मुद्दे उठा लेते हैं और देश को कमज़ोर करते हैं ऐसी ताकतों को कुचलना चाहिए इन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए कोई स्पेशल ऐसी वो इनका सिस्टम होना चाहिए बैठना चाहिए ताकि इनको इसी काम के लिए लगाया जाए देश के जो एंटी नेशनल लोग हैं इनको कुचला जाए इनको दबाया जाए इनको। भारत